भिंडी भिंडी या भिंडी यस भिंडी भिंडी टेस्टी है। सिक्स पैक आ गए। तो दिखा, ये तो फैमिली पैक है। फैमिली पैक। इब छात पर थोड़ा काम करना रहा था तो सुखिंदर आ गया और सम्राट आ गया। सम्राट दादी बीमार है, तने मेरा है तने बेरा है अम्बा काका के बेरा है। दादी बीमार हो रही है, कमरे में लुटी है। काम कौन कराऊगा? अमित। तू नहीं करांदा? हाँ। अच्छा ठीक है, तेरे ऐप्स आ गए? हाँ। कितने दिन में आए? रोज की रोज में करते रहा, 60-60 60-60 मारा है। तो भाई इसके ऐप्स आ गए, छोटा सा है, 10 साल का हो जाए। 10 साल का होगा ना तू? कदा जन्मदिन? अक्टूबर के 22। 22 अक्टूबर ना इसका जन्मदिन है, तो केक काटेंगे है ना? ऐप साला केक। केक खाए तो ऐप्स खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाए, घना खाए थे। तेरे भी ऐप्स हैं? गाड़ी लाइन। लग रहा हूँ भाई, थर तो छोटा ही हूँ। हाँ थर तो छोटा भाई। हाँ ये देख, ये घर के अनुकूल हिस्सा है, आगे तो आड्डी है। आड्डी है ये? और क्या है आड्डी? और सही बता, आड्डी है ये। चल ठीक है, बढ़िया, शाबाश लगा रहा है, तू भी लगा रहा है, ठीक है। ये बतम बालक हो, आ जा। अरे भाई सम्राट ने चिंता हो रही है कि इसके घर के नो को है एक एब्स को नहीं, आड्डी है। तो भाई वो एब्स हैं, ये देखो ये एब्स हैं, ये मसल के ऊपर एब्स होया करें। मारे तो कोनी एब्स, मारी तो फिर फैमिली पैक है, फैमिली पैक। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी काम कर लूं थोड़ा सा, और अभी काम बाकी है। अच्छा भाई आप लोगों ने बेरा, ये एक्टर छोरे हैं है ना, एक्टर हो ना? हाँ। तो आम एक नाटक बनाओगे छोटा सा इनकी गेल्या, तो आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे जल्दी ही। एक बढ़िया सा नाटक बनाओगे, अमरीकन बहू का कुनबा है ना? हाँ। सही बात है, ठीक है फिर। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का समय है और आज जब मैं सुबह उठा तो पता चला कि मेरी माँ बीमार है, उनको कुछ बीपी लो की शिकायत है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है अक्सर, तो वो आज काम नहीं कर पाएंगी। तो आज सारे काम की जिम्मेवारी एश्लिन की और मेरी है, क्योंकि घर पर कोई और भी नहीं है। तो पशुओं का, रसोई का और जितना भी काम होता साफ सफाई का, वो हम दोनों ही करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले सब्जी का काम करेंगे, सब्जी काटेंगे। तो सब्जी का काम है एश्लिन का और रोटी बनाने का काम रहेगा मेरा। उसके बाद जो काम है वो हम उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका स्वागत करते हैं। सब भिंडी 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 या भिंडी यस भिंडी टेस्टी है। तो हमारे पास है भिंडी की सब्जी, आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। और एश्लिन को नहीं पता है कैसे काटनी है, तो थोड़ा इसको सिखा देता हूँ कि किस तरह से, कहीं आधी बाहर फेंक दे और आधी सब्जी में डाल दे, और जो बाहर फेंकनी वो सब्जी में डाल दे, और जो सब्जी में डालनी वो बाहर फेंक दे। तो एक बारी बता देता हूँ। ऐसे कौन भिंडी काटता है, किसने काटी है ऐसे भिंडी, बताना कमेंट में एक बारी। इसने तो एक लाइन में लगा दिया सबको, पहले पहले लाइन में लगो फिर देखोगे तुम्हें। आ आ
तो अभी टाइम है रोटी बनाने का, यानी कि सुबह का नाश्ता बनाने का। अपने यहाँ पे मैक्सिमम रोटी ही बनाते हैं, तो आज हम रोटी और परांठे ही बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ में देखते हैं क्या मिलेगा। शायद मूली की सब्जी रखी हुई है, तो उसको ही ऐड कर देता हूँ उसमें आज। और मुझे ज़्यादा आता नहीं है, काफ़ी टाइम से ट्राई नहीं किया, तो अभी ट्राई करता हूँ। Interested in the paranthas. तो मैंने परांठे के भर के जो भी होता है बना दिया है, मेरे लिए, असलीन के लिए और घर वालों के लिए। और इसमें मैंने परांठे बनाए हैं और कुछ रोटी है, थोड़ी जली हुई है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसको नहीं आती है रे। No, I deleted that. This. तो हमारा फूड तो रेडी हो गया है। इसमें है भिंडी की सब्जी, ये कुछ पालक की सैलेड है, साथ में टमाटर, रोटी, परांठे और ये है दही, और ये है एसलीन। तो आज कई सारे काम करने की वजह से एसलीन को जो काम करने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो वो थोड़ा थक गई है। काम करने की आदत है लेकिन इंडियन टाइप के काम नहीं, यूएस टाइप के काम, तो वो आज थोड़ा थक गई है और अभी सो गई है। और तो इसलिए मैं अकेले सूट कर रहा हूँ, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि इनके लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा फर्क होता। और वैसे भी इंडियंस वेदर में आप देखते हो कि लोग सुबह काम करके दोपहर को थोड़ा सो लेते हैं और रात को फिर काम करते हैं, शाम को काम करते हैं और रात को फिर लेट सोते हैं, तो ऐसा ही कुछ रहता है। और अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी वीज़ा प्रोसेस के लिए, कि अभी नेक्स्ट मंथ हम बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कुछ कंट्रीज को, तो मैं देख रहा हूँ कि किन कंट्रीज में जाया जा सकता है। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ यूरोप की कुछ कंट्री और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज कवर कर ली जाएं और वहाँ पे व्लॉग्स बनाए जाएं। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि विद ट्रैवलिंग अच्छी अच्छी जगह पे जाना, आप लोगों को वो चीज़ें दिखाना, यही मेरा टारगेट रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग ठीक लगा होगा। माँ की हालत अब ठीक है, और प्रार्थनाएं, दुआएं एक दूसरे के साथ बना के रखना, प्यार बना के रखना। अगर चैनल को आप नया देख रहे हैं तो एक बारी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, आने वाले सभी अपलोड व्लॉग्स भी आपको मिल जाएं। तो अगले व्लॉग तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।